आज दशहरा है और माता का विसर्जन हो रहा है। भक्तों का मन थोड़ा सा उदास भी है और साथ में आशा भी है कि माता फिर से जल्दी आएंगी। अभी हम खड़े हैं बन्नाथ में और यहाँ पर माता का विसर्जन चल रहा है। मशीन लगी हुई है आप देखेंगे, और जो बड़ी प्रतिमा है उनको मशीन के द्वारा विसर्जन किया जा रहा है। जानने की कोशिश करते हैं भक्तों के क्या भाव है, ये कैसा लग रहा माता आज जा रही है? बहुत ही दुख लग रहा है, बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि 9 दिन तक जैसे हम लोगों ने सेवा श्रद्धा किया उनका, और जाने के बाद वो जगह और वहाँ के लोग थोड़ा मायूस होते हैं, लेकिन यही हमेशा प्रार्थना रहती है कि सभी के कल्याणार्थ अगले साल हम फिर उसी श्रद्धा भाव से उनको ले आवें और सभी का कल्याण करें, पूरे नगरवासियों का, माता के, यही हम उनसे हमेशा प्रार्थना करते हैं और सभी लोग इसके लिए प्रार्थी है, क्षमा प्रार्थी है जो भी। भैया क्या कहते हैं? भैया ये तो हम लोग को ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर का कोई सदस्य जाता है ना, उसी तरीके का हम लोग को दुख होता है, लेकिन 9 दिन माता रहती तो इतना हर्ष का भाव रहता है और पूरे कॉलोनी में उनके कृपा दृष्टि बनी रहती है, और हम लोग की यही कामना है कि अगली बार जब वो आए तो और अच्छे से हम लोग लेके आएँ और हमारे कॉलोनी में और ज़्यादा विकास हो और सभी लोगों की तरक्की हो और माता का आशीर्वाद बना रहे, यही हम लोग सबके भाव हैं। और सब पूरा मोहल्ला मिलजुल के हम लोगों के साथ एक साथ बैठता है, सब में प्रेम भाव रहता है, कहीं द्वेष की भावना नहीं रहती। सबसे अच्छी व्यवस्था ये हो जाती है कि माता में सब अपना भेदभाव भूल के सब एक साथ साथ में रहते हैं। सागर में जो विसर्जन के लिए व्यवस्था रखी गई है वो कैसी लगी आपको? ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, हाइड्रा वगैरह जो लगा के जो ये व्यवस्था की है, इससे कम से कम ज़्यादा लोगों को लाने की व्यवस्था दिक्कत नहीं होती, जो कम लोग आते हैं उनके भी विसर्जन हो जाता है और इसमें दुर्घटना की भी संभावना नहीं है। ये प्रशासन की बहुत ही अच्छी पहल है। अच्छी है प्रशासन की बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम बिल्कुल सहमत हैं और हम बधाई के पात्र हैं प्रशासन, हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो इस तरीके से प्रशासन व्यवस्था बनाए रखे और आगे भी ऐसी करती रहे। धन्यवाद। पुलिस वगैरह बाकायदा सुरक्षा दे रही है? बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था की पुलिस ने, और वह बधाई के पात्र हैं जो अपने सब मतलब अपने खुद के कार्यक्रम छोड़ के, अपने मोहल्ले की दुर्गाएं छोड़ के, माता छोड़ के और यहाँ व्यवस्था में लगे हैं, वो खुद उसका मनोरंजन नहीं ले पाते, उत्साह नहीं कर पाते, लेकिन अब यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं और व्यवस्था बनाते हैं, तो वो भी बधाई के पात्र हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ की है उन्होंने,